सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, फ्रेंड्स यहां पर आज हम बात करने वाले हैं 9.3.28 के बीटा अपडेट को लेकर और उसके साथ बात कर लेते हैं रेडमी नोट 5 प्रो को लेकर या बात कर लेते हैं रेडमी नोट 5 की या रेडमी नोट 4 की या कह लीजिए रेडमी वाई 2 या कुछ ऐसे ही डिवाइसेस के लिए। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं 9.3.28 की जो बीटा अपडेट हमारे लिए आने वाली है फ्राइडे नाइट, मतलब कि आज रात को, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता चलूं ये जो अपडेट है यहां पर काफ़ी सवाल आते हैं कि ये जो है 9.3.28 की बीटा अपडेट है या कोई भी बीटा अपडेट है। आप कहा मुझसे ये जाता है कि भाई आप हमें ये भी बताया करें कि हमारी डिवाइस में देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए, मुझे काफ़ी मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जब भी मैं कोई अपडेट बीटा अपडेट की वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे यही सवाल किया जाता है कि क्या ये मेरी डिवाइस में आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ जो मतलब कि जो रेडमी नोट 5 प्रो है इसको तो आप जानते ही एंड्रॉयड पाई की अपडेट मिल चुकी है और उसके साथ इसे भी आप देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ रेडमी वाई 2 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इसे कोई भी नाइटली अपडेट जो है वो अभी तक नहीं मिली है, उसमें वो अभी तक टेस्टिंग में है और इसका जो इशू है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो 32 बिट या 64 बिट का ऑप्शन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वजह से हमें ये जो अपडेट है अभी तक देखने को नहीं मिली। और उसके साथ यहाँ पर बात करूँ रेडमी नोट 4 या रेडमी नोट 5 की, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं इतने मंथ हो गए, 3 या 5 मंथ लगा लीजिए, इतने मंथ हो गए इन्हें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली। मगर मेरा एक शाओमी से रिकमेंडेड ये है कि भाई इनको चाहिए कि कोई मतलब एक मंथ या कह लीजिए 2 वीक के लिए जो अपडेट्स हैं बीटा अपडेट या स्टेबल अपडेट हैं इनको सस्पेंड करके इन फ़ोन्स पर काम किया जाए ताकि इन फ़ोन को भी साथ लेकर एक तरह से अपडेट के तौर पर साथ चला जाए, क्योंकि इनके 5-6 महीने हो गए इनका जो बग है वो ही ख़त्म नहीं हो रहा। और उसके रेडमी 5 है या रेडमी 5 या ऐसी रेडमी वाई 1 या रेडमी ऐसी डिवाइसेस के लिए जो बीटा अपडेट है वो आ जाएगी, उसके बाद जितने भी डिवाइसेस हैं उनको शेड्यूल के हिसाब से जैसे मिलती है वैसे ही देखने को मिल जाएगी अपडेट। और उसके साथ बात कर लेते हैं रेडमी नोट 5 प्रो के एंड्रॉयड पाई की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चेंजेस में। सबसे पहले जब हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एंड जहाँ पर हमें फ़ोन का नाम लिखा होता है रेडमी नोट 5 प्रो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेडमी नोट 5। और उसके साथ यहाँ पर कुछ फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डार्क मोड, और ये सभी एप्लीकेशन में काम नहीं करता, मतलब कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें ये काम करता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें ये काम नहीं करता। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पर अगर तो आप मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। और जो दूसरा फीचर है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बैटरी इंडिकेटर, मतलब के यहाँ पर आप परसेंटेज को मतलब के जो हमारी परसेंटेज होती है जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मेरी बैटरी की भी, जैसे कि बैटरी को आप परसेंटेज आप बैटरी के अंदर भी लगा सकते हैं, बैटरी के बाहर भी लगा सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फीचर तो काफ़ी बढ़िया है वैसे। और उसके साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं गेम बूस्टर की, यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पबजी HD में है भाई नहीं है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है भाई नहीं है, PIP चैट की बात कर रहे हो तो वो इनेबल है, क्योंकि अगर तो आप खेलते हैं गेम और उसमें गेम बूस्टर काफ़ी काम में आता है, यहाँ पर आपको फेसबुक या ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप या ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन या ब्राउजिंग वगैरह आप PIP मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गेम बूस्टर का ही ऑप्शन है। और उसके साथ यहाँ पर अगर बात करूँ अडेप्टिव बैटरी की, तो यहाँ पर जो शाओमी है या कह लीजिए एप्पल है या कह लीजिए आप एंड्रॉयड पाई की लेकर, तो यहाँ पर कमाल सा ये अडेप्टिव बैटरी को हर किसी को नीड थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी कमेंट्स देखने को मिलते हैं और भी कि भाई मेरे मोबाइल की जब से मैंने ये अपडेट की है वो अपडेट की है मेरे मोबाइल में बैटरी ड्रेनिंग बहुत है, तो भाई अगर तो आपको एंड्रॉयड पाई मिल गया है तो फिर तो जितनी भी अपडेट्स आ जाएँ आपके मोबाइल की बैटरी क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके साथ यहाँ पर बात करूँगा नोटिफिकेशन स्टाइल की, तो भाई यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन स्टाइल में आप MI का भी लगा सकते हैं और एंड्रॉयड का भी लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाती हैं 2 ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन शेड है तो यहाँ पर आपको भी 2 देखने को मिल जाती हैं सेटिंग्स।
और उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाते हैं और उसके साथ डेट और टाइम में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ड्यूल क्लॉक देखने को मिलती है। मतलब कि आप एक ही टाइम में दो कंट्रीज़ का जो टाइम है वो कलेक्ट करके एक हिसाब से अपना रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया में बैठे हैं और अगर आप अमेरिका का टाइम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक साइड पर आप इंडिया लगा सकते हैं और एक साइड पर जो कि है अमेरिका लगा सकते हैं। और ये जो सेटिंग है ये आपकी जो स्क्रीन लॉक है उसमें काम करती है। मतलब कि अगर आप फ़ोन को मतलब पावर बटन से क्लिक करते हैं या दबाते हैं या क्लिक करते हैं या जो भी, मतलब जैसे स्क्रीन हमारी ऑन होती है तो आपको वहाँ पर दो क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ अगर आपको कुछ सुझाव है तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।